नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है अपने ही चैनल पे एनडी एजुकेटर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने त्रिकोणमिति एक परिचय एक चैप्टर है उसमें हमने 8.1 के जो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करने वाले हैं 10 और 11। और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। हमें देख क्या रखा है, एक त्रिकोण है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसी प्रकार हम इसमें एक्शन करते जा रहा है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिकोण बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया हमने समकोण, कोण बना लिया, ठीक है। जो ये कितना है, 90 डिग्री है समकोण होता है। और ये हमने मान लिया हाँ कोण मान लिया पी, ठीक है। ये मान लिया क्यू, ये मान लिया हमने आर, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी और क्यू 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर हमने क्या है, पी और क्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी प्रकार आप करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, हमें क्या है किसका मान निकालना है, आर और पी का। तो हमें यहाँ से किसका मान निकालेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आर पी का मान कैसे निकालेंगे, आर पी या पी आर एक ही बात है, बराबर ये किसमें क्यू आर है ना, इधर ले जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर माइनस के कितने हो जाएंगे क्यू आर, कितना वैल्यू निकल गया, ये हमारे आर और पी के मान कितना निकल गया आया 25 माइनस के क्यू आर, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि जिन दो रेखाओं पर टच करता है एक तो आधार हो जाता है, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया और ये फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे किसका मान, एक आपने सूत्र हमने बताया है, 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी हैं, अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आराम से भी वीडियो देखिए आराम से, और इसमें हमने इजी तरीका से बताया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कर्ण का लंब कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब जैसा जैसा इसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, फॉर्मूला हमारा बोलता जा उसी प्रकार ये पुट कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है, ये लंब है तो लंब हमारा कितना है, लंब का कोई नहीं मान दे, हमें लंब ही निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। अब कर्ण कितना है 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस के आधार कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये आपने एक सूत्र तो पढ़ा ही होगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ये फॉर्मूला इसमें पुट अप करना है, कैसे करोगे, आप देखो ए हमारा कितना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये मान लो, बी ए मान लो, ठीक है, ए मैंने ये मान लिया 25, बी मैंने मान लिया क्यू आर, कैसे करेंगे तो एक 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625, कितना होता है 625 माइनस के क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस दो बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना है 2ab, माइनस के लगा दो 2ab, जब 2 का गुणा होगा 25 में कितना हो जाएंगे 50, और ए बी गुणा करेंगे तो हमारे ए में भी गुणा हो गया तो कितना पी क्यू और आर, माइनस के ये माइनस चल लगाओ माइनस लगा लो, और क्या यदि दे रखा है ये, अब 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है हमारा 25 होता है, वो सॉरी 5 का वर्ग कितना होता है 25, कितना होता है 25, ठीक है। अब ये हमने खोल लिया, अब ये हमें लंब पूछना है तो लंब हमारा चलेगा ही। अब देखो इसमें हाँ सॉरी ये गलती और हो गई है, हमारा लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारा कितना है क्यू और आर, हम यहाँ क्यू लिख लेते हैं, कितना है हमारा क्यू और आर, ठीक है। लंब की वैल्यू कितना है क्यू और आर, कितना है लंब की वैल्यू हमने लिख दिया क्यू और आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ कितना है हमारा क्यू आर किसमें प्लस में, जब इधर ले जाएंगे 25 तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू आर हो जाएगा, अब कितना बचा है स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर, दो हो गए। अब देखो यहाँ कितना बचा 625 ये बचा, अब ये किसके हैं माइनस के 50 क्यू आर, अब किसके ये माइनस के 25, इसमें से ये घटा दो कितना हो जाएगा, जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
625 में से 25 घटा दो कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 650 QR। ये हमारा इससे देखो ये प्लस में ये माइनस से, ये माइनस से ये प्लस हमारे कट जाएंगे तो कितना बचेगा इतना हो जाएगा, ठीक है जीरो बचा, ठीक है जीरो बचा। आप देखो यहाँ मुझे किसका मान दिख रहा है, आप ही देखो 600 माइनस के 50 QR, जब QR इतने ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 50 QR बराबर 600, ठीक है। अब QR का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बट्टे 50, ठीक है यहाँ कर दो अगर ज़्यादा नीचे हो रहा है तो हमारा QR का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, कितना निकले इससे 50 का 600 में भाग दीजिए, ठीक है तो कितना आ जाएगा 12। जो हमारा QR का जो मान कितना निकाला 50, Q और R का जो मान कितना निकाला हमारा 50, तो हमारा लंब कितना निकल आया, तो हमारा ये लंब निकल के आया बेटा बच्चा 12, ठीक है। अब देखते हैं, अब QR का मान हमारा 12 निकला आया तो इसमें से हम कर्ण का भी मान निकालें, कितना निकालेंगे तो 25 ये दे रखा है माइनस के QR, QR का मान कितना है हमारा, QR का मान है हमारा 12, जब 25 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 13, तो हमारा कर्ण का मान कितना निकल के आया 13। अब इनके आप मान आराम से इजीली तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है कैसे निकालेंगे देखो, थोड़ा हम साफ कर लेते हैं इधर, अब देखो साइन पी क्या रखा है, साइन पी क्या दे रखा है हमें, साइन पी का मान कैसे निकालेंगे, साइन पी, साइन पी जैसे हमने आपको पहले बताया है कि एक फॉर्मूला क्या होता है लाल बट्टे कक्का, अगर वो आपको पता है तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमें आपके सामने लिख देता हूं लाल, हमने दो वीडियो में जिक्र किया हुआ है इसका, लाल बट्टे कक्का, ठीक है इसका होता है पहले कॉलम का जो पहला जो होता है हमारे कॉलम होता है लाल बट्टे कक्का यानी साइन, दूसरा होता है आधार बट्टे कट जो होता है कॉस का, और तीसरा होता है लाल बट्टे आधार मतलब लंब बट्टे आधार किसका होता है टेन का, ठीक है हमें किसका ज्ञात करना है, ये करना है साइन पी का, तो साइन पी पी के हमने कोण मान लिया सापेक्ष, ठीक है तो लंब बट्टे कट कितना है, लंब हमारा कितना है लंब बट्टे कट हमारा लंब कितना है 12 निकल के आया है और कट हमारा कितना है 13, कितना है 13, तो साइन पी का मान कितना निकला 12/13, साइन पी का मान कितना निकला 12/13। आप निकालते हैं कॉस पी का, कॉस पी का कैसे निकालेंगे, कॉस पी का एक सूत्र होता है क्या होता है आप देखो साइन कॉस टेन, तो आधार बट्टे कट, आधार बट्टे कट, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 5 सेंटीमीटर, कट हमारा कितना है ये 13, कितना है 13, तो हमारा कॉस पी का मान कितना निकल के आया 5/13। अब बात कर लेते हैं टेन पी का, टेन पी का मान कैसे निकालेंगे, इसका भी सूत्र होता है लाल बट्टे आधार मतलब लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा कितना है 12 है और हमारा आधार कितना है 5, तो इसका टेन पी का मान कितना निकला 12/5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आइए वो भी इजीली तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे आपको समझ में आए, ठीक है आई होप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मैंने बताया था तो आपके सामने 11 क्वेश्चन लिख लिया है और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है या असत्य है, उसके सामने असत्य असत्य का चिन्ह लगाइए। देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है या ज्यादा होता है, आइए सॉल्व करते हैं कैसे पता करेंगे। हमने एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज बना लिया, ये त्रिकोण बना लिया है, अब इसमें हमने क्या माना है एक से कम होता है साइन ए, तो ए बी और सी ये हमने मान लिया, ये मान लिया हमने, यहाँ मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4, तो इसका सूत्र क्या होता है साइन ए के लिए होता है वो सॉरी टेन ए के लिए होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का इसका होता है लंब बट्टे कर्ण, तो हमारा लंब कितना है 4 है, ठीक है इसे अगर इसे मान ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है तो कर्ण लंब बट्टे आधार, आधार कितना है 3, अब 3 का इसमें भाग दीजिए कितना आएगा 3 × 3 एक आएगा, ठीक है और अब देखते हैं 3 × 3 पॉइंट एक बचा, पॉइंट लगाओ और पॉइंट लग गया 30 हो गया, 1 हो गया और 3 × 9 ये हमारा आ गया, जब हमने वैल्यू क्या रख दिया 4 और 3, ठीक है अब इनको वैल्यू को फिर चेंज करते हैं, ये देखते हैं इनका मान सदैव इतना ही आता है या कम ज़्यादा आता है, ठीक है यहाँ हमने रख लिए 3 और ये रख लिया हमने 4, ठीक है अब देखते हैं ये हमारा कितना है लंब बट्टे कर्ण, वो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है हमारा
चार, अब चार का भाग देते हैं कितना आएगा, 0.74 × 4 = 28, तो हमारा ये आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टेन ए के मान सदैव सदैव कौन सी स्थिति भी हो सदैव एक से कम होता है, लेकिन भैया यहाँ देखो ये मान रखने पर इसका आ रहा है 0.7 और यहाँ आ रहा है 1.3, तो इसका मान सदैव एक जैसा नहीं है, तो ये हमारा असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। तो हम ना लिख देते हैं साफ करके, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया भैया, असत्य, क्या हो गया असत्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक 12/5, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का कितना है, लाल बटे कक्का हमारा सेक कितना आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है के और हमारा आधार कितना है 5, तो आपको बता दे भैया जो हमारा कर्ण होता है लंब प्लस आधार को जोड़कर सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारा सत्य हो सकता है, क्योंकि हमारा कर्ण का जो वैल्यू है हमारा आधार से बड़ा होता है, तो इसमें साफ तौर से दिख रहा है जो हमारा 5 ये 12 है, ऐसे तो नहीं होता है 5/12, 12 का जो होता है हमारा संख्या 5 बड़ी होती है 12, तो 12 बड़ी होती तो हमारा कर्ण हमारा 12 है, तो इसका ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये सत्य। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कॉस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है, ये कह रहा है कि कॉस का जो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, नहीं, जो कॉस का रूप होता है कॉस का संक्षिप्त कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस का वो होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन, ये कह रहा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है, नहीं होता है कोसाइन का कॉस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये कह रहा है कोसेकेंट, जो कोसेकेंट होता है किसका है कोसेक का, और ये कह रहा है कि कोसेक का संक्षिप्त रूप है, नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, जो कॉस ए होता है संक्षिप्त रूप उसका होता है कोसाइन, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया असत्य, क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, क्योंकि ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप बता रहा है, कॉस ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये पूछ रहा है कि इन दोनों का संबंध गुणनफल होता है, नहीं बाबा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हमारा कॉट ए का पूरा मान होता है, ये वैल्यू होती है, तो ये गुणनफल के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है, ये भी असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य, ये भी असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, एक साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कितना है, लंब में हमारा 4 और कर्ण कितना है हमारा 3, ठीक है, कर्ण हमारा कितना है 3, जैसा कि ये क्वेश्चन में बताया था, तो हमने बताया था जो लंब और क्या होता है, लंब और आधार को मिलकर क्या बनता है कर्ण, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, कर्ण हमारा लंब से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, और इसमें ये छोटा बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया असत्य, क्या हो गया असत्य। तो आई होप हमने जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर था 8.1 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, अगर इनकी पहले वाली दो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आराम से इजी तरीके से पेन कॉपी लेकर उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप ये दो क्वेश्चन आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 8.2 बिंदास तरीके से करने वाले हैं, और आपको उस एक्सरसाइज में आपको त्रिकोणमिति की टेबल को याद करके आना होगा, अगर जब तक त्रिकोणमिति की टेबल के मान आपको नहीं याद हैं तब तक उन क्वेश्चनों के मान हल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो आई होप याद करके लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आपके सामने